लेकिन मेरा यही प्रश्न है हाथ जोड़ करके कि क्या रामायण और महाभारत आपको प्रबंधन की शिक्षा देने के लिए लिखे गए थे? जी देखिए, कीजिए। ये जातक कथाएं हैं, ये कहानियां हैं, इनका ये कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। बुद्ध ने, तथागत गौतम ने, ये कहानियां आमतौर पर लोगों को शिक्षाएं देने के लिए कही गई थी, इनका ऐतिहासिक कोई वो नहीं होता। नहीं, अब हाँ, जातक कथा तो भाई साहब इसका उद्देश्य ही लिखी ही इसीलिए गई। जय हिंद सभी का। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम और नई सीरीज में, जहां पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर जसवीर छावला, और इनके इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे पाली जातक कथाओं में से किस तरह से हम मैनेजमेंट को समझ सकते हैं, प्रबंधक जो गुण होते हैं उनको समझ सकते हैं। साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि जसवीर छावला जी का जो ध्यान है वो जातक कथाओं की तरफ कैसे गया, जबकि आज की डेट में हम देखते हैं कि जब भी मैनेजमेंट की बात आती है तो भारत के अंदर गीता का प्रमुखता से जिक्र किया जाता है, रदर देन की बुद्ध की जो उपदेश है या बुद्ध की जो जातक कथा है। तो एक ऐसे समय में बुद्ध की जातक कथाओं की तरफ डॉक्टर जसवीर जी क्यों उन्मुख हुए, क्यों उन्होंने जातक कथाओं को समझने की कोशिश की। स्वागत है डॉक्टर जसवीर चावला जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जी नमो बुद्धाय सर। सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय। जय भीम। सर, आप अपने बारे में और थोड़ा सा बताएंगे कि आप। हाँ, जरूर जरूर। मैं देखिए पेशे से इंजीनियर रहा, जी और भारत के जो स्टील प्लांट्स हैं, जिसमें ये कंपनी बड़ी नामी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से स्नातक करने के बाद मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन हुआ, और मैं यहाँ दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में, दुर्गापुर स्टील प्लांट में अपनी पहली नौकरी शुरू की वहाँ से। फिर उसके बाद में मेरे जगह जगह तबादले होते रहे। फिर आपके भारत सरकार के इस्पात विकास मंत्रालय जो है, उसमें भी कुछ दिनों मेरा रहा। फिर आपके गुजरात मेरीटाइम बोर्ड में, जहाँ आपके पुराने जहाज कटते हैं, यानी घुमा फिरा के सारी जिंदगी जो है मेरी वो इस्पात से जुड़ी रही, और प्रबंधन के कई पहलू मेरे सामने आए, जिनमें आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहाँ भी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग कहते हैं RDCIS, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील, वो स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है, वो रांची में स्थित है। तो वहाँ भी लगभग 8 साल मैंने काम किया है। तो कहने का अर्थ है कि तमाम तरीके से मजदूरों की समस्याओं से, प्रोडक्शन की समस्याओं के, शॉप फ्लोर की समस्याओं से, फिर ऊपर जो मैनेजमेंट है वहाँ की समस्याओं से, फिर नीतिगत जो होती हैं, चूंकि मंत्रालय में भी था तो वहाँ की समस्याओं से, उसके बाद आपको बताऊं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्ग, उनका एक प्रोजेक्ट था, उसको लेके भी उसमें मैं जुड़ा रहा। तो यानी विभिन्न आयामों से मेरा परिचय अपनी जिंदगी में होता रहा। सिर्फ यही नहीं, विदेशों में भी, मैंने रूस रूस में भी भेजा गया मुझे तकनीकी आर्थिक विश्लेषण पर प्रशिक्षण के लिए। उन दिनों रूस जो है वो एक फेडरेशन था, USSR जिसको कहते हैं, उन दिनों की बात बता रहा हूँ कि उस समय फिर हमारी ट्रेनिंग, मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ और भी थे, हम लोग 10 जने थे। तो यानी विभिन्न अनुभवों से संपृक्त होने के बाद, है ना, इस तरफ मेरा जो ध्यान गया है, इसे मैं भगवान बुद्ध की कृपा मानता हूँ। इसलिए मानता हूं कि भाई जब उन्होंने मुझे तैयार कर दिया पूरे, यानी लाइफ साइकिल में जितनी जरूरी थी वो इनपुट दे दिया गया, उसके बाद फिर मेरा ध्यान उधर गया। और हाँ, ये बड़ा एक संयोग है, मैं कहूँगा कि इसके पहले अगर वो मुझे चीज मिली होती तो यकीन जानिए कि मेरा परफॉर्मेंस और बेहतर हो गया होता।
अगर ये जातक कथाएं मुझे पहले मिली होती, जिस समय, अब मान लीजिए कि आखिरी सालों में आपको मिला, आपने इस पर रिसर्च आरंभ किया, रिसर्च करने के बाद में आपको लगा कि नहीं ये तो मैनेजमेंट की बहुत अच्छी बातें हैं, तब आपको अगर ये ज्ञान पहले से होता तो आपके जो प्रबंधन की शैली है और आपके जो जिस जिस ढंग से आप काम कर रहे थे उसमें 100 गुना इजाफा हुआ होता, यानी आप बहुत बेहतर प्रबंधन दे पाते। इसलिए मुझे लगता है कि अभी हमारी जो पीढ़ी है या अभी जो लोग पद पर हैं और जिस तरह का प्रबंधन दे पा रहे हैं, अगर उनको ये बात पहले से बता दी जाए तो आप देखिए उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी दक्षता है, उनकी जो कार्य निष्पादन की जो शैली है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और मैं बताऊं कि इसीलिए मैं इस इनको कहानियों को, जातक कथाओं को शोध के बाद मुझे लगा कि ये तत्व जो है, ये जो खजाना है, ये न सिर्फ भारतीयों को बल्कि पूरे विश्व में, यहाँ तक कि जो इतने बड़े बड़े जो नेतागण हैं, यानी अभी आप देख ही रहे हैं यूक्रेन और रूस में जो चल रहा है, तो उन लोगों को भी अगर ये समझ आ जाए बुद्ध के प्रबंधन की, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएं, सिर्फ नॉलेज से, है ना। बहुत ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ बताने की बात है। तो मुझे कई बार ये याद आता है कि जब भगवान बुद्ध को वो बुद्धत्व प्राप्ति हुई तो 49 दिनों तक तो वो इसी में रहे कि भाई ये जो चीज मुझे मिली है इसका लोगों में कैसे इसका प्रचार प्रसार हो। जी लोग दुख से इतने परेशान हैं, सिर्फ थोड़ी सी जानकारी का अभाव है, अपनी तरफ से लोग कोशिश किए जा रहे हैं, है ना, उबरने की दुख से, लेकिन उसी उबरने की कोशिश में और फंस जाते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है, ना, अविद्या है। अगर ये थोड़ी सी इनपुट मिल जाए उनको तो बहुत सारे क्लेश जो हैं दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं आग्रह पूर्वक लोगों को कहता हूं कि भाई ये देखिए, आप इस तरह से इसको लीजिए कि ये मैनेजमेंट की शिक्षा है ना। अभी अभी आपने बात की कि भाई गीता में भी प्रबंधन की बात है ना, तो महाभारत में भी है, और आप देखेंगे कि जब IIMs में ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारे टॉप क्लास प्रबंधन के शिक्षा संस्थान हैं, उनमें शेक्सपियर के नाटकों से दृष्टांत दिए जाते हैं। ये देखिए प्रबंधन इस ढंग का होना चाहिए, जहां मोटिवेशन की बात आती है और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की बात आती है, वहां इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, हमारे सिख समुदाय में लोग गुरुओं के उदाहरण देते हैं, वहां से कहानियां हैं, वहां से देते हैं। कई लोगों से जब मैं बात करता जाता हूँ तो पंचतंत्र की कहानियों की बात करते हैं। अरे भाई, सबसे शिक्षा जिसको लेनी है वो ग्रहण करता है ना, ग्रहण करता है। जहां गुण है, आप गुण, जो गुणग्राही है वो उसमें से तथ्य निकाल लेता है ना, यही साधु का स्वभाव है ना। तो वो जो पहुंचे हुए लोग हैं वो उसमें से अच्छी चीजें बटोर लेते हैं। लेकिन मेरा यही प्रश्न है हाथ जोड़ करके कि क्या रामायण और महाभारत आपको प्रबंधन की शिक्षा देने के लिए लिखे गए थे? क्या तुलसीदास जी प्रबंधन की शिक्षा दे रहे थे रामचरितमानस लिख करके, या भगवान श्री कृष्ण जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जब ये उपदेश दिया जा रहा था, आमने सामने टकरा रहे थे उस समय, वो मोटिवेट कर रहे थे, क्षत्रिय हो, है ना, अब जो तुम्हारा काम है इससे से तुम पीछे हट रहे हो। बहुत अच्छे प्रबंधन की बात थी उस समय, है ना। और बीच बीच में ऐसे श्लोक भी हैं जो बहुत बड़ा हमारा जीवन का मार्गदर्शन करने में सक्षम है, लेकिन क्या गीता का उद्देश्य लिखने का, उनके उपदेश देने का उद्देश्य यही था कि अर्जुन को प्रबंधन की शिक्षा दे रहे थे? नहीं ना, नहीं नहीं। अब जातक कथा तो भाई साहब इसका उद्देश्य ही लिखी ही इसीलिए गई। दोनों में देखिए कितना अंतर है। एक चीज है जहां पाठक को माने इस आग्रह के साथ उसको पढ़ना है कि भाई इसमें प्रबंधन कहाँ कहाँ है, जरा हम उसको अंडरलाइन कर दें, और यहाँ पहली कहानी से शुरू ही हुई है आपके प्रबंधन की बातचीत, तो हम क्यों न गए कि भाई, हाँ आपका प्रश्न जो आप है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो बुद्ध की जातक कथाएं हैं वो मूल रूप से एक इंसान को प्रबंधन सिखाने के लिए ही कही गई थी।
यही कहना जी चाहता सर 100% जी है ना। अब देखिए लिखी किसने, अब थोड़ा सा इसको मैं आपके इसके जेनेसिस में ले चलता हूँ। लिखा बुद्ध घोष ने। भगवान बुद्ध जब अपने जीवन में दिनचर्या जो उनकी थी उसका जो विवरण है वो विवरण हमको मिल जाता है कहानियों में, उसकी वर्तमान कथा में, है ना। जब एक भी जातक कथा उठाइए आप, उसका जो आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो पहली लाइन में है कि भगवान यानी गौतम बुद्ध उस समय कहाँ चारिका कर रहे हैं। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन तो ये दी जाती है। उसके बाद एक शब्द आता है उसमें, पचुपन वथु। पचुपन वथु का अर्थ होता है, पाली का शब्द है, इसका अर्थ होता है वर्तमान कथा। ठीक है, अब वर्तमान कथा में आप पाएंगे कि वो घटना दी गई है जिसकी वजह से द फॉलोइंग स्टोरी यानी जो अतीत वत्थू आने वाली है वो इस वजह से शुरू हो रही है, क्योंकि वह एक घटना है। मैं आऊंगा इस पर डिटेल आपको बताऊंगा। तो अतीत वत्थू जो है वो एक कहानी है, उदाहरण कथा है। उस उदाहरण कथा में वो बात प्रबंधन की जो शिक्षा है वो दी गई है। अब आप सोचिए कि 2000 साल पहले जो लिखने की शैली रही होगी, जाहिर है आज की तो नहीं हो सकती, नहीं आज जाहिर वाली सी बात शैली में है। नहीं हो सकती है। हम आज डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, फैशन मैनेजमेंट है, तमाम तरह। मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है हर क्षेत्र में आप अप्लाई करते हैं। आप यहाँ तक कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी टेलरिंग मैनेजमेंट, बुटीक मैनेजमेंट, गार्डनिंग मैनेजमेंट, हर जगह तो मैनेजमेंट है ना। तो सभी कहने जीवन के का हर अर्थ है आयाम में मैनेजमेंट हर आयाम में मैनेजमेंट है। तो आपको हर आयाम की कहानी जातक कथाओं में मिल जाती है, ये सबसे बड़ी खास बात है। और मैं कई बार तो ऐसा भी मैंने आश्चर्य करने पे हो गया, अंतरिक्ष के मैनेजमेंट की भी कहानी है ये, अच्छा देखिए जी। अभी अब तभी तो हमने सोचा ही नहीं उसके बारे में, है ना, कि भाई वहां भी किसी मैनेजमेंट की जरूरत होगी। अच्छा, मेरे से कई लोग कहते हैं कि चावला जी आप ऐसी बातें करते हैं, वो 2000 साल पहले की बात है, अब आज के युग में क्या ये समीचीन है, क्या इसकी कोई क्या उसे कहते हैं कि वास्तविक में ये इसका कोई उद्देश्य है, कोई हमें लाभ मिलेगा इसके। वो पुरानी 2000 साल पहले की घटनाओं को लेकर के आप बात कर रहे हैं कि ये मैनेजमेंट इसमें से सीखेंगे। उसका कारण देखिए ये है कि मनुष्य जो है शुरू से ही, है ना, जब से इसका इसने होश संभाली है ना, आप कहिए कि जब से कहिए कि सभ्य हुआ है, तब से ही तो राग और द्वेष तो इसमें मौजूद है कि नहीं। राग और द्वेष जो मैं है एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जब से सब जी, हुआ है तब से मौजूद है या तब से पहचानना शुरू किया है? हाँ ऐसा कही है कि भाई जब मानव सभ्यता मान लीजिए परिपक्व हुई, अब भगवान बुद्ध से पहले भी तो लोग जी रहे जाहिर सी थे, बात है। हाँ जाहिर सी बात मैनेजमेंट कर रहे थे, इतने बड़े बड़े साम्राज्य चल रहे थे, आज भी हम लोग जी रहे हैं उसी। लेकिन जो मूलभूत जो विशेषताएं हैं मानव समाज की, मानव मस्तिष्क की, मानव की संरचना की, मानव के मन की, है ना, उसमें आप पाएंगे कि अंतर बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। पुरुष और स्त्री अब तक, है ना, इन्हीं से राग और द्वेष की जो समस्याएं हैं उनसे अभी भी दुख और क्लेश के कारण जो है वो वही वही है ना, लगभग वही है। तो हम हमें जब प्रबंधन करना है ना, अपने अपने जीवन का प्रबंधन कहिए, अपने परिवार का प्रबंधन कहिए, समाज का प्रबंधन कहिए, देश का प्रबंधन कहिए, तो हर जगह आप पाएंगे कि मानव जो है वहां पर उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है, उसी का प्रबंधन करना है। इसलिए इसलिए ये जो कहानियां हैं ये बिल्कुल आज भी उतनी ही जरूरी, उतनी ही उपयोगी और उतनी ही आप समझिए कि अनुकरणीय हैं,
है ना, उसमें जो आपको मैं बताऊंगा कालांतर में जो है, जो जिस तरह की विषय वस्तु उसमें आती है, सिर्फ यही है कि हमें समझना है ना, समझना है बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, हृदय में कोई ऐसे दुराग्रह नहीं रखना है। पहले बात देखिए, मैं उसको इस तरह से लेता हूँ, अगर मान लीजिए आप मैनेजमेंट पढ़ने जाते हैं, तो क्या वहां ये देखते हैं कि टेलर जो सिखा रहे हैं, जो फेयल सिखा रहे हैं, या जो पाश्चात्य विज्ञान बताए जा रहे हैं, पीटर ड्रकर हैं, उनका आप ये पूछते हैं कि भाई ये क्रिश्चियन हैं कि ये लोग पारसी हैं कि क्या हैं, ये देख करके थोड़ी पढ़ाई होती है। पढ़ाई जय तो भाई हमें हमें ज्ञान लेना है ना। तो अगर ये ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है जातक कथाओं से, तो ये दुराग्रह क्यों? क्योंकि ये बौद्ध धर्म है। अरे भाई, यहाँ तो मैनेजमेंट की शिक्षा दी जा रही, आप धर्म को इसके साथ क्यों मिक्स कर देते? आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन जो भी हैं, आपको प्रबंधन की जरूरत पड़ेगी। आप अपने जीवन का प्रबंधन, अपने परिवार का प्रबंधन, अपनी रसोई का प्रबंधन, अपने किचन गार्डन का प्रबंधन आपको करना है ना। आप नहीं पढ़ेंगे मान लीजिए, तो भी आप प्रबंधन कर लेंगे। अब हमारी घर की माताएं बहनें जो हैं, का सब मैनेजमेंट करके आई हुई हैं, या जो हमारा किसान है ना, वो अपने क्रॉप का जो मैनेजमेंट करता है, हार्वेस्ट का जो मैनेजमेंट करता है, वो क्या डिग्री MBA की लेके आया हुआ है? अरे भाई, अपने अनुभव से सब प्रबंधन करना जानते हैं। एक बच्चा भी जब आता है ना धरती पर, तो वो भी प्रबंधन करता है। मान ली उसको भूख लगती है, तो कैसे चिल्लाता है, रोता है, जी तो वो प्रबंधन कर रहा है। उसको भी मालूम है कि हमें माँ को कैसे बुलाना है ना सर? जी ये तो बिल्कुल, तो प्रबंधन का जो गुण है, ये मानव स्वभाव में आप समझिए कि राइट फ्रॉम बर्थ उसे मालूम है प्रबंधन के। सिर्फ उसे नहीं मालूम, वो है सम्यक प्रबंधन। सम्यक प्रबंधन का जो ज्ञान है, वो हमको जातक दे रहा है, ठीक है, जिससे आपके दुख और क्लेश मिनिमाल हो जाएं, कम से कम हो जाएं। यही तो है ना, जिंदगी में आप क्या चाहते हैं? कि भाई हमें दुख और क्लेशों से छुटकारा मिले। इस बात हर इंसान यही चाहता हर आदमी यही चाहता है, हर आदमी इसी के उदय लगा हुआ है, भाग दौड़ इसी में लगा हुआ है, कमाना खाना भागना सब कुछ इसी के अधीन हो रहा है। तो आप देखिए, आपके दुख और क्लेशों को का जो प्रबंधन करना है ना, उसी अगर सरल विधि आपको मिल जाती है ना इन कहानियों से, तो क्या बुरा है इसे प्राप्त करने में, है ना। हम आप तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आप कहते हैं कि जय भाई कीवी फल जहां से मिल रहा है ना, कीवी वहां से हमको चाहिए, जो फल जहां अच्छा मिल रहा है वहां वाला हमको चाहिए। तो आज ग्लोबलाइजेशन की है, हम लोग WTO वगैरह करके बैठे हुए हैं ना, कि जहां जो चीज अच्छी मिल रही है तो वहां से हमें प्राप्त करनी है। तो मेरा यही कहना है कि भगवान बुद्ध है ना का जो भी ये ज्ञान है जातक कथाओं के माध्यम से आ रहा है, तो हम लोग उसे इस तरह से पढ़ें इसको, इसका है ना, इसका ज्ञान लें और अपने जीवन में उतार के सुखी हो उतारने की जाए, कोशिश करें। ठीक सर, मैं है आपसे ना। अपने क्वेश्चन कोशिश भी पूछ आपको नहीं रहा करनी है सर, मैं आपको बता रहा हूं कि इतना सरल उपाय बताया उन्होंने, सिर्फ आप अगर आप जान लेंगे ना, आपके आधे क्लेश तो वैसे दूर हो गए। अच्छा। अविद्या जो है, माने जिस दिन आपको होते ना भी, आपका पॉजिटिव थिंकिंग जब आने लग गए, जब आपकी अविद्या दूर हो जाए, तो आप बहुत सरलता से निकट पहुंच जाते हैं, है ना। बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी नहीं जरूरत कि आप रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। हल्के से ज्ञान से आपका ध्यान जो है इस तरफ बड़े आराम से चला जाता है। तो मैं किताबें जो अपने पास हैं, इसीलिए 547 कहानियां हैं जातक इस पर ग्रंथ। आऊंगा सर, मुझे थोड़ा सा एक हाँ सवाल मैं हाँ आपसे हाँ पूछूंगा हाँ कि जरूर जरूर जो जरूर बुद्ध की जातक कथाएं हैं, ये इसमें लिखा जी हुआ है कि कथाएं हैं यानी कि कहानियां हैं, इनका जी यथार्थ से कोई संबंध नहीं है, ये कोई हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं है, ये कहानियां देखिए, हैं। नहीं मेरा प्रश्न मैं बताता, प्रश्न अच्छा पूरा ठीक हुआ, है जी, ये कीजिए। जातक कथाएं हैं, ये कहानियां हैं, इनका ये कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। बुद्ध ने तथागत गौतम ने ये कहानियां आमतौर पर लोगों को शिक्षाएं देने के लिए कही गई थी, इनका ऐतिहासिक कोई वो नहीं होता है ना। लेकिन एक जब मिनट, भी अब मैं यहां पर
बताना चाहता हूँ, आपका जो ये कथन है ना, ये हाँ अर्ध सत्य है, अच्छा अर्ध सत्य है। हाँ हाँ, यही तो खासियत है जातक कथाओं की, है ना। खासियत ये है, मैंने पहले भी आपको बताया कि उसमें दो पार्ट हैं, पच्चुपन वथु और अतीत वथु। अब जो हिस्सा है पच्चुपन वथु का, वो तो हिस्टोरिकल एविडेंस है, वो अच्छा तो सचमुच उनके जीवन की घटना अच्छा है ना। तो जी वो जी 100% आप मान के चलिए सच है। अब मान लीजिए उनके पास कोई उपासक आया है, कोई राजा आया है, कोई भिक्षु की समस्या है, उसमें पहले पार्ट में एक समस्या आती है, ठीक है। अब भगवान जो है, आप इस रूप में देखें कि विहार में, जैसे जेतवन विहार में बहुत लंबे अरसे तक गए, तो जेतवन विहार के मान लीजिए विहार की कोई समस्या है, तो और ये एज ए वाइस चांसलर कहिए या प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटर कहिए, प्रिंसिपल टीचर कहिए, जो भी है ना, नीचे जब वो मैनेज नहीं हो पाता है तो सर के पास जाते हैं, जय स्वाभाविक श्री है ना। अब सर जो है उसका निदान दे रहे हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट इज हिस्टोरिकल एविडेंस, एकदम 100%। जी और जो सेकंड पार्ट है जिसमें वो उसका प्रबंधन कर रहे हैं, वो कहानी जो है वो एक उदाहरण कथा है। उसी कहानी के माध्यम से शास्त्रा जो है, यानी बुद्ध जो है, वो आपको मैनेजमेंट का तरीका बता रहे हैं, तो इसमें ये आप कहानी। जी हाँ इसमें आप दो उदाहरण दे सकते हैं कि हाँ एक तो जो हिस्टोरिकल एविडेंस है उनका एक उदाहरण दे दीजिए, और एक जो ठीक है हाइपोथेटिकल कंडीशन है उसका आप एक जी, उदाहरण दे दीजिए। मैं बताता हूँ। देखिए, मैं ये इस पर ना एक पेपर भी दिया था कि द अनटोल्ड स्टोरीज। आपको बहुत लोगों को, मैं इतिहास के विद्यार्थियों से कहता हूँ कि आपको मालूम है कौशल नरेश प्रसेनजीत की मृत्यु कैसे हुई थी, है ना। अथवा एक और उसमें हिस्टोरिकल एविडेंस बड़ा जबरदस्त है कि मगध नरेश जो बिंबिसार थे, उनकी हत्या उनके पुत्र ने की थी अजात शत्रु ने, है ना। इसकी तीन कहानियां उपलब्ध हैं जातक अठकथाओं में। भगवान बुद्ध जो हैं वो बिंबिसार के दरबार में उपदेश दे रहे हैं, और अजात शत्रु तब 7 साल का लड़का है, बड़ा उद्दंड बालक है, और उद्दंड बालक है और वो बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड वे में बिहेव करता है, जाकर के बिंबिसार की गोद में बैठ जाता है और बिंबिसार का ध्यान इधर खींच लेता है, जैसे बच्चे करते हैं अक्सर। उधर भगवान बुद्ध का उपदेश चल रहा है। अब देखिए ये कितने हिस्टोरिकल एविडेंस हैं, ये आपको इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। प्रसेनजीत की मृत्यु कैसे हुई, इसका इतिहास का आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जातक कथाओं के को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एविडेंस मिलता। इतनी बड़ी जानकारी मैंने कहा आपको मिलेगी, जो काशी नरेश जो थे, है ना, उन्होंने काशी गांव जो है वो अपनी बहन को दिया हुआ था स्नान दान में। उस समय कोई परंपरा रही होगी कि बिंबिसार की जो पत्नी थी उनको वो गांव दान में मिला हुआ था। अब जिस समय अजात शत्रु ने वध कर दिया अपने पिता का, तो प्रसेनजीत इस बात से बहुत असंतुष्ट हुए कि इस बालक ने जो है, मतलब इतना बड़ा कांड, मेरे जीजा जी का हत्या कर दिया। उधर उनकी जो बहन है वो भी इसी गम में मर जाती है। तो यानी इस एक व्यक्ति के लिए देखिए कितना बड़ा इसने दुष्कर्म किया है। वो उसको दंड देने के लिए क्या करते हैं कि जो काशी ग्राम था उसकी, बताते हैं, रेवेन्यू लाख रुपए की थी उन दिनों। सोचिए कितना, माने प्रॉस्परस विलेज था। उन्होंने बंद कर दी कि ये जो हमने दान में दिया था, तूने मेरे मतलब बहन को मार दिया, जीजा को मार दिया, अब ये गांव तुम्हारा नहीं रहेगा। उन्होंने अजात शत्रु से वो गांव छीन लिया। अजात शत्रु क्रुद्ध हो गया, वो जाकर के अटैक कर दिया, ठीक है। अब अटैक कर दिया और वो काशी ग्राम जो था उसके बेचारे जो वासी हैं वो पिसने लग गए, कभी वो अटैक करें, कभी ये अटैक करें, कभी ये, इस तरह से 3-4 युद्धों का वर्णन वहां पर आया है। अब देखिए कितने बड़े हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये हो सकता है आपको इतिहास की किताबों में ढूंढने से ना मिले, लेकिन जातक कथाओं को जो आप पढ़ेंगे उसमें पूरा क्लियर कट दिया हुआ है। उसका उसका समाधान कैसे करते हैं भगवान, वो भी दिया हुआ है। तो इस तरह की चीजें हैं।
अब मैं बताऊं कि बहुत एक प्यारी घटना आती है, उसके बारे में बताता हूं कि जब अनाथ पिंडक जो हैं भगवान बुद्ध को राजगृह से ले जाते हैं कोशल राष्ट्र में, वहां उनके लिए जेतवन बनाया है ना, जेतवन खरीदा, आपको कैसे कैसे पूरी कहानी आती है, जेत से खरीदा और कितने असरपियां बिछा करके उतनी जमीन खरीदी। अनाथ पिंडक जो हैं वो इनको स्टेब्लिश करते हैं संघ को। अब जो कौशल नरेश के जो व्यापारी हैं है ना, वो लोग बुद्ध के वहां जेतवन के यहाँ जाते हैं, उपदेश सुनते हैं, उपदेश सुनने के बाद बड़े संतुष्ट होते हैं और कहते हैं कि भाई हमको सचमुच में धर्म मिल गया है ना। अब इसके बाद शास्ता जो है वो चारिका करते हुए राजगृह चले जाते हैं, क्योंकि वो तो घूम घूम के प्रचार करते थे। अब पीछे से क्या होता है कि ये व्यापारी जो हैं ये जेतवन में जाना बंद कर देते हैं, अच्छा है ना, हालांकि इनके अस्थवीर वहां पर हैं, सारिपुत्र है, मौद्गल्यायन है और दूसरे जो इनके मैनेजमेंट की टीम है वो वहां पर है, परंतु बुद्ध न होने की वजह से ये जो सेठ हैं ये अपने अपने हिसाब से, कोई मान लीजिए उस समय 16 दर्शनों का जिक्र आया है जातक कथाओं में भी है ना, कोई आपके तैर्थिक हैं, आजीवक हैं, इस तरह के संप्रदाय और भी हैं, लोग अपने अपने हिसाब से जैसे जाते थे वैसे करने लग गए। बहुत तो आपको पता ही है कि यज्ञ के लिए उनको प्रेरित करते थे, पशु बलि के लिए प्रेरित करते थे, ऐसे बहुत से संप्रदाय थे, उसी में ये लोग फंसे हुए थे। तो जब ये भगवान बुद्ध का वहां धम्म का प्रचार हुआ है, उसके बाद से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आरंभ हुआ है। तो ये अनाथ पिंडक जो हैं जब अपने व्यापारियों का जो उनके साथी हैं उनको लेके जाते हैं है ना, और भगवान बुद्ध के आने पर दोबारा, तो वो कहते हैं कि भाई मैं जब नहीं था तो क्या तुम लोग संघ में आते थे? उन्होंने कहा कि नहीं भगवान, नहीं बनते, हम लोग तो अपने अपने पुराने में जाते थे, पुराने संप्रदायों में। तब उन्होंने एक कहानी सुनी और वहां से वो कहानी जातक कथा की आरंभ होती है, अपन्नक जातक। अच्छा उसमें देखिए बड़ा हैरान, उसमें बिजनेस मैनेजमेंट की सारी बातें बताई हुई। अच्छा अपन्नक जातक मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कभी आगे बताते हुए, हाँ बिजनेस मैनेजमेंट की सारी बातें उसमें बताई कि व्यापारियों को कैसे व्यापार करना चाहिए, इस ढंग की बातें। तो वहां से जातक कथाएं आरंभ होती हैं, व्यापार बिजनेस मैनेजमेंट से ही आरंभ होती है ना। और भगवान बुद्ध की वो जो मैनेजमेंट वाली कला है वो बहुत खुल के सामने आती है जब नदी के बंटवारे पर दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं, कौन कौन, अच्छा शाक्यवंशी और कोलीयवंशी। खून अच्छा खराबा, अच्छा खून खराबा बहुत बड़ा होने वाला है, और उस समय भगवान बीच में जा करके और उनको समझाते हैं, है ना। वो कहानी बड़ी अच्छी आई है कुणाल जातक में, है अच्छा ना। तो अच्छा देखिए हिस्टोरिकल एविडेंस भी है और साथ में मैनेजमेंट की कथा भी है। तो अब हिस्टोरिकल एविडेंस में वर्तमान कथा में दे दिए कि ये रोहिणी नदी के जल पर जो विवाद है ये आपको वर्तमान कथा में मिल जाएगा, और सेकेंड पार्ट में आपको उदाहरण कथा द्वारा ये समझाया गया कि कैसे करना चाहिए। बड़ी मार्वेलस, वहां पर बुद्ध स्वयं कहते हैं, जिस समय घटना होने वाली है उस समय वो स्वयं कहते हैं कि हाँ मैं वहां जाऊंगा और उनको 4 जातक कथाएं सुनाऊंगा। देखिए कितनी अजीब बात है, अच्छा माने एज ए मैनेजमेंट गुरु ही इज प्लानिंग कि आई विल टेल दीज स्टोरीज एंड द प्रॉब्लम विल सेटल रिजॉल्व डाउन, ओके देयर एंगर विल सेटल डाउन एंड देन दे विल बी एबल टू रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट। व्हाट अ माने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ना, इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है कि भाई जातक कहानी तो खुद उसका उपयोग कर रहे हैं वो प्रबंधन के लिए, और कह भी रहे हैं कि अब मैं ये करूंगा ऐसे करके। मतलब आपके हिसाब से ये हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं उनमें कुछ जातक जी कथाएं हैं जिनके अंदर हिस्टोरिकल एविडेंसेस अवेलेबल हैं और उन्हें हमें एज अ हिस्टोरिकल इवेंट या इंसिडेंट के हिसाब से देखना चाहिए, और कुछ जो जी जातक कथाएं हैं वो पूर्ण रूप से कथाएं हैं, उनके अंदर इतिहास में घटी कोई घटना का जिक्र नहीं है या ना ही वो उसके रिलेटेड है कुछ कह सकते सर हैं। सर मेरी बात सुनिए, नहीं, ऐसा है ना, हर जातक कथा में
थोड़ा हिस्टोरिकल एविडेंस, फर्स्ट पार्ट में हिस्टोरिकल एविडेंस है। मान लीजिए चारिका करते हुए ये वैशाली पहुंचे, तो ये तो हिस्टोरिकल एविडेंस हो गया, ठीक ठीक है। अब हाँ इसमें एक समस्या हुई कि वहां पर जो भिक्षु वहां रह रहे थे उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये तो खांटी बात है, ये तो सच बात है, ये हिस्टोरिकल एविडेंस हो गया। कभी ठीक अगर आप वहां के समाज समाज के बारे में लिखना चाहेंगे तो आप उस फर्स्ट पार्ट को पढ़ लीजिए, आप बता देंगे कि वैशाली में ऐसा ऐसा हो रहा था उन दिनों, लिच्छवी वंशी से इस तरह से प्रॉब्लम से गुजर रहा था। ये हिस्टोरिकल एविडेंस आपको जातक कथाओं में मिल जाएगा, ठीक नगर का वर्णन मिल जाएगा, और तो और कहिए उस समय जो नगर थे उनका वर्णन आपको जातक कथाओं में मिल जाएगा। व्हाट आई मीन टू से इज कि हर कथा, मैंने ऐसा नहीं कि कुछ कथाओं में हिस्टोरिकल, नो, इन एवरी जातक टेल यू हैव ए पोर्शन विच इज हिस्टोरिकली ट्रू, 100% ट्रू, इसको मैं दोबारा एंड इट, वैसे दोबारा मैं एक बार हाँ इलेबरेट करता हूँ अपने शब्दों में, जिससे जी जी क्या जी हाँ सामने हाँ जो भी लोग प्लीज देख रहे हैं उनको बहुत क्लियर चीज समझ में आनी चाहिए। मतलब समझ हर में आएगी जातक, बिल्कुल। कोई भी जातक कथा हो, उसको हम दो भागों में देख सकते हैं। एक ही जातक कथा के दो भाग हैं, एक जिसमें कि जातक कथा सुनाने से पहले की पूरी समस्या का विवरण मिलता है जो कि हिस्टोरिकल एविडेंस है, राइट। और फिर बाद में जब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहानी के द्वारा, एक कथा के द्वारा जो संदेश दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो कहानी है। Am I वो right? कहानी है, और उसमें, और कहानी सिर्फ यूं ही नहीं है, कहानी के लिए कोई कहानी कह दो, उस कहानी का एक उद्देश्य है, हाँ, एक वो एक उद्देश्य है। ठीक उदाहरण जिसको, जैसे कि हम लोग सर मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं केस स्टडी, जी अच्छा केस स्टडी। मान लीजिए किसी बच्चे को बताना पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, फॉर टेक फॉर एग्जाम्पल, आज के सिस्टम में हम ये अपने क्लासरूम स्टडी में ऐसे पढ़ाते हैं, आपको बताना है पर्सनल मैनेजमेंट के एक प्रॉब्लम को। आप कंपनी एबीसी का उदाहरण दे करके मिस्टर सो एंड सो मैनेजर एंड एक कहानी गढ़ते हैं, अच्छा ठीक है, और उसमें उस समस्या को उभारते हैं और उसका सलूशन देते हैं कि जो उस समय शिफ्ट मैनेजर था उसको इस ढंग से करना चाहिए था, तो उसमें एक अच्छा मैनेजमेंट की सीख उभरती है। यानी आप इसके पैरेलल जातक कथा को रख के देखिए कि फर्स्ट पार्ट में हो गया आपकी प्रॉब्लम, ठीक सेकंड पार्ट में हो गया आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, ठीक यानी वो केस स्टडी के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि यस इस तरह से करना उचित होगा, जिससे हमारे क्लेश कम होंगे, हमें मिलेगा एक विन विन सिचुएशन, ओके एक शुभ शुभ स्थिति। आज के मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाई हमको क्या मिलता है, एक आदमी सेटिस्फाइड है, एक आदमी डिससेटिस्फाइड है, बायर और सेलर के बीच में ये रखें, है ना, तो सेलर ये समझता है कि मैंने इतना मुनाफा कमाया कि नहीं कमाया, मेरा उद्देश्य था इतना परसेंट कमाना, ठीक है। जो बायर है वो सोचता है कि अरे यार ये बहुत महंगा खरीद लिया मैंने, इसने मुझे ठग लिया। बुद्ध की जो जातकीय शैली है वो देती है आपको शुभ शुभ की परिणति, विन विन आप भी सिचुएशन खुश फॉर मैं एवरीवन। भी खुश, विन विन सिचुएशन, ओके ये है। तो जी आपका जो मैनेजमेंट है, मॉडर्न मैनेजमेंट है, उसका एक उद्देश्य है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यहां उद्देश्य ये है वेलनेस मैक्सिमाइजेशन, संतुष्टि सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन, दोनों में अंतर है ना सर। जय श्री माता। हाँ ये है, तो मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, हाँ जातक कथाओं में या फिर जो पूरा बौद्ध साहित्य है उसके अंदर, मुझे नहीं पता लेकिन जितनी मेरी समझ कहती है कि धर्म जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, जहां पर भी इस्तेमाल किया जाता है धम्म शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आज की डेट में जी वो बिल्कुल धम्म को हमने हटा दिया और अब हम इस्तेमाल करते हैं धर्म, ठीक। तो इस पर आप जी क्या कहना चाहेंगे कि एक्चुअल में बौद्ध जो, जिसको अपन धर्म है, एक रिलीजन कह रहे हैं, क्या वो वाकई में रिलीजन है जी भी या वो एक पाथ है, एक धम्म है? देखिए सच्ची बात तो ये है कि जो बुद्ध ने जिस धम्म की बात की है वो प्योरली आचरण है, आचरण, वे शुद्ध ऑफ लाइफ। आचरण, सदाचरण, वे ऑफ लाइफ, इस ढंग की बात है। हुआ क्या कि जब ये विदेशी साहित्य जो हमारे अनुवादक हैं उन लोगों ने रिलीजन ट्रांसलेट कर दिया इसको,
रिलीजन जो पार्ट है उसमें रिचुअल्स के ज्यादा महत्व है ना, तो वो पोर्शन ज्यादा आ गया। सदाचरण वाली जो बात है वो कम पड़ गई, जो कोर वैल्यूज हैं रिलीजन की, कोर वैल्यूज जो है वो दबी रह गई। जो बाहर की जो चीजें हैं आप समझ, उसको जिस रूप में चाहे कर्म कांड कहिए या वितंडावाद कहिए, जिस ढंग से भी आप चाहें है ना, भी हमारा बाहरी जो आवरण है उस पर ज्यादा बातें होने, उसको वो रिलीजन में ज्यादातर आ गई है ना। तो धम्म जो है वो प्योरली आपके सदाचरण की बात करता है ना, ये खास बात है, हमको इस ढंग से ही धम्म को देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस पर मैं चाहता था कि कोई बहुत जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसने बहुत ज्यादा काम किया है इन विषय पर, वो अगर बताए, वो अगर समझाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लोगों को समझ में आता है। आज के डेट में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो रिलीजन को, धर्म को रिलीजन समझ लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकल अगर एविडेंस भी देखें तो सम्राट अशोक के किसी शिलालेख में भी धर्म जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, धर्म का इस्तेमाल किया गया है। बौद्ध का जो पूरा जो साहित्य है उसके अंदर भी धम्म का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि बाबा साहब ने भी अपनी किताब जब वो लिखते हैं बुद्ध और उनका धम्म लिखते हैं, वो बुद्ध और उनका धम्म लिखते हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल सच है। हमारे लोग पता नहीं क्यों इन सारी चीजों को मिला देते हैं और बहुत सारी ऐसा है ना कि जैसे पाली से संस्कृत है ना, तो धम्म के लिए धर्म हुआ है ना, स्वाभाविक रूप में आ गया बोलचाल में धर्म। अब धर्म का जो स्वरूप है ना, उसकी अलग अलग ढंग से मीमांसा होने लगी। जबकि मेरा अपना अध्ययन ये बताता है, मेरा अपना चिंतन ये बताता है कि जो धर्म है ना, जो धर्म है वो तो बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर के बना हुआ है, देश काल के हिसाब से। आप मुझे बताएं कि उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है किसी पॉइंट का, तो आप एक धर्म की बता सकते कि यहाँ पर यही धर्म उचित होगा। मसलन अब अरब में, मैं अपने मुस्लिम मित्रों से भी कई बार कहता हूँ कि अरब कंट्रीज में पानी की कमी है। अब एक लोटा वजू है, एक लोटा है, उससे आपको वजू करना है, तो वजू करने के लिए आप इस ढंग से करते हैं ताकि आप कम से कम पानी में अपने पाक साफ हो जाएं, है ना। अब वो धर्म का एक हिस्सा बन गया है ना, धर्म का एक अभिन्न हिस्सा बन गया, वहां तक के लिए ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ भी पानी की कमी है, जल संरक्षण की। भारतवर्ष में आपको पानी की कमी नहीं है, आप बड़े इत्मीनान से अच्छी तरह नहा धोकर के पूजा नमाज में बैठिए, उसी पे क्यों स्टिक कर रहे हैं। तो जो मूल भावना है ना, मूल भावना तो है कि पाक साफ होना है, सफाई रखनी है, उसके बाद हमें ध्यान करने में आसानी होगी। तो हम जैसे गंगा में स्नान करके हम योग में बैठते हैं, उस तरह से आप अच्छी तरह नहा धो करके और अपना नमाज में बैठिए। हम लोगों ने क्या किया कि धर्म के वो जो बाहरी अंग हैं उनको तो बना लिया, उसको तो माने एक तरह से रिजिडिटी ठान ली कि नहीं उसमें हम चेंज नहीं करेंगे। ये अपने आप में मेरे ख्याल से तो तर्कसंगत नहीं है। और देखिए इसलिए भगवान बुद्ध की जो बात है आप उनके जीवन में भी पाएंगे, कई कहानियां जातक कथाओं से मैं आपको सुनाऊंगा। मांस के बारे में अक्सर वितंडावाद अभी भी चलता है, मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अब बुद्धिस्ट हैं वो तिब्बत में खा रहे हैं मांस, अन्य अन्य बाहरी देशों में, तो उसका क्या तर्क है ना, क्यों खा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, अब रूस में जाएंगे जहां -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वहां वोदका नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे। तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि मांस मांस ज्यादा खाते हैं, सी फूड ज्यादा खाते हैं, वहां पर मछली है या जो भी सारी चीजें वहां पर मिलती है, तो उसको पचाने के लिए कुदरत ने उनको दिया है कि भाई आपका इलेक्ट्रोलाइट आपकी बॉडी का कम ना हो, तो वहां पर आपको नारियल के पेड़ मिल जाते हैं। तो ये नारियल के पेड़ मिल जाते हैं जी, ज्योग्राफिकल बिल्कुल सच, धार्मिक चीजें नहीं है, नहीं है। इसलिए कहने का अर्थ ये है कि धर्म जो है उसको हम लोगों को बहुत ही, लेकिन अगर वो ये को कहे साथ में कि अगर कोई ये नियम बना दे कि नहीं आप शराब पी सकते, तो ये कोई धर्म नियम नहीं बनाएगा। उसी भी धर्म में आपको ये बताया नहीं जाएगा कि भाई वो आपको पीना है ना, वो निषेध है,
वो निषेध है, लेकिन सम्यक का निर्वाह करने के लिए, अब पौराणिक एक कहानी आती है कि वो विश्वामित्र कहते हैं कि चांडाल के यहाँ से जब उनको वो मिलता है कुत्ते का मांस, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था, चांडाल ने कहा कि ये जो है हे ब्राह्मण, ये कुत्ते का और मरे हुए कुत्ते का मांस है। तो उसने उन्होंने कहा था कि इस समय सबसे बड़ा धर्म है आत्मरक्षा, इस समय अगर मैं ये देखूंगा तो मैं अपने जीवन का जीवन की रक्षा नहीं कर सकता, और इस वक्त अपना जीवन बचाना ही मेरी सबसे बड़ा कर्तव्य है, यही मेरा धर्म है। तो कहने का अर्थ है कि अब इस तरह की चीजें लेकर के अगर कोई कह दे कि नहीं इसके लिए नियम बना दीजिए कि आप मरे हुए कुत्ते का मांस खा, अरे भाई तो ये नियम कैसे बनाया जा सकता है। हर जगह ऐसे केसेस होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं अपवाद, एक्सेप्शंस, है ना। और अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्सेप्शंस प्रूव द रूल, है ना, आपने भी सुना होगा। हाँ एक्सेप्शन, लेकिन हाँ है ना, लेकिन एक्सेप्शन को रूल नहीं बनाया जा सकता कि आप कहिए कि एक आदमी ने ऐसा कर लिया है ना तो उसको रूल बना दीजिए, वो रूल नहीं बन सकता है, वो तो एक्सेप्शन है, है ना। हाँ तो ये इसको इस तरह से बांध करके सम्यक कथाओं में इन्हीं बातों को लेकर के चर्चा हुई है, और इसलिए आने वाले दिनों में मैं आपको इनके प्रचुर प्रमाण दूंगा। अच्छा कि देखिए, हाँ प्रचुर प्रमाण दूंगा कि देखिए जसवी सर, आप और बहुजन साहित्य का एक प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है, आपको जितने वीडियो बनाने हैं, 540-547 आपने वीडियोस बताए हैं, 547 वीडियो जातक कथाएं हैं, जो कि आपने मुझे किताब भेजी थी, इसमें लिखा है कि आपने 400 कथाओं का पुनर्लेखन किया है बुद्धि की प्रबंधन की दृष्टि हाँ, से, जी, और बाकी की जी, क्या जी, अभी आप काम कर रहे हैं उन पे या आगे करेंगे? हाँ मेरा कार्य लगातार चल रहा है। मैं आपको बताऊं इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, है ना, पुनर्लेखन की जरूरत क्यों। आप कहेंगे तो लिखा ही हुआ है, भाई साहब वो 2000 साल पहले की शैली है, अच्छा, उसे हाँ, आप नहीं समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि देखिए समझने के लिए जो है थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाना पड़ता है, एग्जैक्टली शोध की आवश्यकता होती है। मैंने 10 साल लगाए, एक एक कहानी को 10 बार पढ़ा, है ना, तब ये बात मैं दावे के साथ कह पा रहा हूँ कि आप उठाइए ना कोई भी कहानी उठाइए, है ना। पहले मुझे भी डर लगता था ये कहते हुए, अब बिल्कुल डर नहीं लगता है, बल्कि मैंने अपनी किताबें इसी रूप में दी हैं, कोई भी कहानी उठाइए रेंडमली और उठाइए और आप उसमें देख लीजिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ गलत है क्या। एक में आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको प्रॉब्लम मिलेगी, सेकंड पार्ट में आपको सोल्यूशन मिलेगा, बुद्ध की प्रबंधन का ढंग मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो पुनर्लेखन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि भाई हमें तो आज के आपको टर्मिनोलॉजी में बताना होगा ना कि सर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है कि पर्सनल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है कि सीनियर सिटीजन की प्रॉब्लम है कि ये पेंशन की प्रॉब्लम है कि ये ग्रेच्युटी की प्रॉब्लम है, ये सब चीजें हैं वहां पर। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आज के टर्म में, आज के टर्मिनोलॉजी में बताना पड़ेगा कि देखिए प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें इसमें भी मिल रही है हमको, है ना, कंट्रोल, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आप नए जो हमारे विद्यार्थी हैं वो इस ढंग से पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना कि देखिए इसमें बताया गया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे, इसमें बताया गया आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे, इसलिए मुझे पुनर्लेखन करना पड़ रहा है। अच्छा, अभी तक आपने सर कितनी किताबें लिखी हैं बुद्ध की जातक कथाओं के ऊपर? देखिए ना लगभग 7 किताबें तो हो गई, 7 किताबें, जिसमें से आपने 2 किताबें हाँ, मुझे भेजी, एक ये किताब है दो, हाँ देखिए, और एक नाटक आपने भेजा मुझे, हाँ दो दो किताब भेजिए। देखिए मैं आपको पहली अपनी जो वो है किताब, एक एक देखिए किताबजे के रूप में है ये, मैंने अपने खर्चे से छपवाई थी, है ना। उसका कारण क्या था कि भ्रष्टाचार प्रबंधन वाली किताब मैंने आत्माराम एंड सन्स को दी दिल्ली में, उन लोगों ने रख दी 300 रुपए कीमत और बेची, है ना। तो मैंने कहा भाई हमारा जो उद्देश्य है कि ये तो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, भ्रष्टाचार वाला तब हो हल्ला हो रहा था हमारे भारतवर्ष में, अन्ना हजारे जी का पूरा अभियान चल रहा था, हाँ उस समय की बात है। तो मुझे लगा कि भाई भ्रष्टाचार प्रबंधन में तो हर व्यक्ति का जो रोल है और इसमें हमको कहानियां मिल रही हैं, तो क्यों ना ये आम जनता में जाए। फिर मैंने ये किताब कलकत्ते से छपवाई, है ना, किताबचे के रूप में
उसको ब्रीफिंग करके, पूरी किताब का ब्रीफ करके, ये फिर मैंने मुफ्त बांटी, अच्छा सबको बांटी। पहली हाँ किताब भ्रष्टाचार प्रबंधन, सबसे बड़े हमारे देश की उस समय समस्या थी, आज भी है आज भी है लेकिन उस समय है, आज भी है, उस समय अभियान चल रहा था। तो मैंने कहा कि मैं अपना योगदान दे देता हूँ, है ना, किताब के रूप में, जो हमको जातक कथाओं में ऐसी कहानियां मिल रही हैं, अद्भुत कहानियां जो कि सीधा भ्रष्टाचार से रिलेट कर रही हैं, तो लो भाई देखो इसको। अच्छा, फिर मुझे वहां कलकत्ते में ही लोगों ने बताया वहां कि भाई हमारे यहाँ तो फर्स्ट हाफ, जो मैं किसी जज से बात कर रहा था, कह रहे चावला जी फर्स्ट हाफ तो हम खाली ये मैरिटल रिलेशंस वाले सुलझाते हैं, डाइवोर्स केसेस सुलझाते हैं, इतने ज्यादा डाइवोर्स केसेस हैं। अच्छा पंजाब में आए तो वहां भी, यहाँ भी यही हालत है, महाराष्ट्र में जाए तो वही हालत, भारतवर्ष में इतनी बड़ी समस्या है, और उसका निदान जो है ये जातक कथाओं में दिया हुआ है। तो ये मैंने दूसरी किताब लिखी, ये देखिए वैवाहिक जीवन सुखी कैसे बनाएं, अच्छा पहले नाम दिया था दाम्पत्य कला प्रबंधन, दाम्पत्य कला। अब बहुत लोग कहें कि दाम्पत्य कला क्या मतलब होता है, तो मैंने कहा टाइटल ही समझ में नहीं आ रहा है तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो फिर ये आत्मा रामचंद्र ने इसको इस रूप में कहा कि सर हमको दे दीजिए किताब, हम अपने हिसाब से छापेंगे। तो उन्होंने फिर ये वैवाहिक जीवन को कैसे सुखी बनाए, और सारी जातक कथाएं, अच्छा इसमें मैरिटल रिलेशंस का मैनेजमेंट ऑफ मैरिटल रिलेशंस, इसका क्रक्स ये है कि भाई आपके वो जो स्थिति है वो ना आए, उसके पहले ही आप इसका प्रबंधन कर लें, इसलिए ये कहानी हुई। फिर बहुत लोगों ने कहा कि सर जो बच्चे हैं, क्या कोई ऐसा है कि बच्चों में मैनेजमेंट का किया जा सके, तो एक बहुत अच्छी कहानी है महाउमग जातक, अच्छा पूरा समझिए एक नॉवेल है, नाम तो कहानी है लेकिन पूरा एक नॉवेल है, उसका कलेवर जो है एक नॉवेल का है। तो अच्छा उसको फिर मैंने पुनर्लेखन किया इस रूप में, होनहार। अच्छा अब होनहार को पढ़िए जातक, महा जो उमग जातक है, आप हैरी पॉटर को भूल जाएंगे, अच्छा हमारे बच्चों को हैरी पॉटर पढ़ाया जा रहा है, अरे उसको महाउमग जातक पढ़ाया, तो देखिए कितनी उसकी प्रज्ञा बढ़ेगी, है ना, कैसे एक बालक जो है किस तरह से स्टेजेस में एक एम्बेसडर तक पहुंचता है, इतनी उसकी सूझबूझ जो है वो प्रबंधन वाले सीख के। तो हमारे बच्चों को इस ढंग से बताना चाहिए कि भाई पहले प्रबंधन, मैं उन्होंने कहा कि बेबी बेबी से आता है, छोटा बच्चा पैदा होता है उसको प्रबंधन मालूम, खाली उसको सिखाना है सम्यक प्रबंधन, है ना, और वो आप छोटेपन से उसमें वो प्रज्ञा विकसित की जा सकती है। फिर मैंने कोशिश की कि यार अगर ये किसी सीरियल के रूप में आ जाए तो कितना अच्छा हो, बहुत लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है आजकल किताबें, कौन पढ़ता है वगैरह वगैरह। कलकत्ते में मेरी कोशिश चलती रही कि किसी तरह से इसको मैं सीरियलाइज कर दूं। अब वहां हमें बंगाली डायरेक्टर वगैरह सब मिले, है ना, थोड़ा बहुत उन्होंने काम भी किया, लेकिन जो खर्च था वो बहुत ज्यादा पड़ रहा था। वो कहें कि सर हिंदी में तो होगा नहीं, हम बांग्ला में कर देते हैं, तो बांग्ला में कुछ उन्होंने किए भी। अब मैंने पहले, मैं हिंदी रूपांतरण करता था उसका, नाटक ना उसका कथा का नाटकीकरण करके हिंदी रूपांतरण, फिर वहां से बांग्ला करते थे, तो वो फिल्म तो नहीं बन सकी, है ना, और सीरियलाइज भी कहीं भागा भी मैं दूरदर्शन वगैरह में, लेकिन कुछ हुआ नहीं, है ना, जो भी है वो पास्ट इज पास्ट। तो मैंने क्या किया कि उसको उन नाटकों का एक पाली जातक कथाओं पर नाटक के रूप से किताब दे दी, जो आपने मुझे वो जो भेजी नाट, हाँ जो आपको भेजी। उसका कारण ये था कि मैं जगह जगह यूनिवर्सिटीज में जाता था और वहाँ के जो नाटक वाले डिपार्टमेंट है थिएटर का, उनको देता था कि सर बच्चों में दीजिए, ये खेलेंगे, आधा घंटे 40 मिनट के नाटक हैं, बड़े आराम से, और बहुत संप्रेषणीयता इनकी है, बहुत अच्छे लाभकारी नाटक होंगे समाज के लिए। तो इस ढंग से वो किताब लिखी गई। फिर कोरोना वाला काल आ गया तो उसमें मैंने ये किताब चंडीगढ़ से छपवाई, ये पाली जातक कथाओं में मैनेजमेंट, है ना। उसका कारण ये था कि भाई ये, थोड़ा हाँ ये इस ढंग से पाली जातक कथाओं में मैनेजमेंट, मेरा मकसद ये था कि इसको पढ़ के शायद पंजाब वाले लोग प्रभावित हों और इसका पंजाबी में ट्रांसलेशन हो जाए, तो अगर चंडीगढ़ से छपी रहेगी तो यहाँ इनका दायरा है, नेटवर्क है, ये वहाँ बेच लेंगे तो कुछ लोग, हो सकता है। मेरी मनसा यही है कि हर व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, जहां 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 हर व्यक्ति को पहुंचे, हर व्यक्ति को लाभ मिले। फिर सर ये जो किताब मैंने भेजी है आपको, ये कानपुर से छपी, अच्छा है ना,
बुद्ध की प्रबंधन वाली किताब है ना। तो इस ढंग से लगा हूं, एक ताइवान भी भेजी। अच्छा ताइवान से मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छी किताबें छापते हैं, बहुत उनका लाखों की संख्या में छपती है, तो वहां भी गई हुई। अब ये कोरोना खत्म होगा, जो भंते हैं जिन्होंने श्रीलंका के थे वो भंते, अच्छा इसी में आ गया जिक्र श्रीलंका का। श्रीलंका में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें था कि इंटरनेशनल टेररिज्म को, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, तो उस पर मैंने अंग्रेजी में वो अपना पेपर पढ़ा था कि देखिए जातक कथाओं में इंटरनेशनल टेररिज्म को भी का प्रबंधन करने के लिए कहानी है। अब इससे बड़ी बात और इतना पोटेंशियल है जातक कथाओं का, अद्भुत। आज की सारी समस्याओं का मतलब वहां आपको हल मिल रहा है। अच्छा तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि ये अद्भुत ज्ञान है और ये हमें करिकुलम में पढ़ाया जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, है ना। आईआईएम्स में मैं गया, वहाँ लेक्चर्स वगैरह दिए, कहे सर हमको अंग्रेजी में दे दीजिए मटेरियल, तो अंग्रेजी में हम लोगों को केस स्टडी ये वाली बताएंगे जातक कथाओं की, लेकिन इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कुछ कहानियां मैंने अंग्रेजी में लिखी। अब मैं कहा अभी अगर अंग्रेजी में शुरू कर दिया तो ये काम जो 400 कहानियों पे वो अटक जाएगा, है ना। तो या तो कुछ लोग जुड़े हैं इस टीम में, सब मिलजुल के करें तो भाई काम और आगे बढ़े। इसलिए आपके माध्यम से ये संदेश भी मैं देना चाहता हूँ कि कृपया और लोग जुड़े इसमें, ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसको मिलजुल के करें, है ना, कुछ मराठी में करें, कुछ असमिया में करें, कुछ पंजाबी में करें, है ना। और जो जहां तक बात है भगवान बुद्ध की, तो उनकी कृपा मुझ पर हुई है, वो तो बता ही रहे हैं। मुझे तो कई बार ऐसे लगता है कि बुद्ध घोष की आत्मा मेरे में घुसी हुई है। मैं आपको मतलब मजाक नहीं कर रहा, कई बार वो उनका अर्थ मैं बड़े आसानी से, जबकि दूसरे को नहीं पता लगेगा। एक कहानी का, एक वहाँ विपस्सना रिसर्च इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में, वहां बात हो रही थी दशरथ जातक की, है ना। दशरथ जातक, अब बहुत लोग कहें कि दशरथ जातक तो रामायण की कहानी का फलूदा बना दिया है इन बौद्धों ने, ये तो बहुत ही गलत किया है, हमारी कहानी तोड़ मरोड़ दिया है रामायण की कहानी को। उसमें बात क्या थी जानते हैं, तोड़ा मरोड़ा ये गया था कि उसमें सीता सीता और राम भाई बना दिए। हाँ सीता राम दशरथ और जातक आप लक्ष्मण पढ़ेंगे ना, हाँ हाँ भाई बहन बना दिए गए। अब वो तो आप पूरा समझिए कि वो ड्रामा है ना, आपस में द्वेष की भावना। तो फिर मैंने उनको समझाया कि सर ये तो केस स्टडी है, ये कहाँ, आप राम की बात जहां भी आएगी तो आप सीधा अयोध्या पहुंच जाते हैं। अरे भाई, राम जो है, राम किसी का नाम भी तो हो सकता है, किसी दूसरे का भी तो नाम हो सकता है, किसी अन्य दूसरी स्त्री का नाम सीता भी तो हो सकता है। तो कुछ हमारे ऐसे मानस में कुछ ऐसी समझिए पूर्वाग्रह कि गांठें हैं, हाँ कुछ गांठें ऐसी बनी है कि भाई राम कहते ही हम वहां पहुंच जाते हैं, दशरथ पुत्र अयोध्या नरेश वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन है ना। हालांकि इसलिए वो इसमें सारी, इस हाँ हाँ सर, जी आ रही मेरी जी आवाज आ रही सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। सर बहुत बहुत बढ़िया, आप देखिए मुझे सर सर मत कहें सर, ठीक है, मैं मुझे आपको भी अच्छे से नम्रता समझ जो है ये नहीं भी ठीक है जातक विनम्र कथाओं से मिली। नहीं विनम्रता अच्छी बात है, लेकिन मुझे बार बार सर सुनने में जी अच्छा नहीं लग रहा हाँ ठीक ठीक है, तो मैं रजत बोलता हूँ, ना। हाँ बिल्कुल है बिल्कुल ना आप मुझे रजत जरूर जी, है कहिए, ना। मैं तो आपके आपके बच्चे से भी मुलाकात कराऊंगा। हाँ बिल्कुल, ये तो सच है। तो ये तो जो है मैं बात कर रहा था उसकी, दशरथ दशरथ जी जातक की, है ना। अब दशरथ जातक पे देखिए जो विवाद शुरू हुआ था, है ना, उसको सुलझाने में मेरा ये जो शोध है ये बहुत काम आया, है ना। नहीं तो दो वर्ग आपस में टकराते। मैंने उनको बताया कि ऐसा है, ये तो एक उदाहरण कथा दी गई है, ये वर्तमान कथा में ये नहीं लिखा गया है, अतीत वत्थु में है, अतीत वत्थु जो कि उदाहरण कथा हुआ करती है। तो उदाहरण में एक कथा, मान लीजिए कथा के जो पात्र हैं वो समान नाम है, कथानक में थोड़ी थोड़ी समानता मिलती है, लेकिन उद्देश्य देखिए, रामायण की कथा तो बताई नहीं जा रही है इसमें, है ना, और ना दशरथ के बारे में बताया जा रहा है। इसमें जो खास बात बोधिसत्व तो बता रहे हैं वो है शॉक मैनेजमेंट की बात, कि एक दुखद समाचार जो है वो
व्यक्ति तक कैसे पहुंचाना चाहिए, आप उस कहानी को पढ़ेंगे तो उसमें वो दिया हुआ है कि लक्ष्मण और सीता को पानी में उतर जाने के लिए बोलते हैं, और तब ये समाचार सुनाते हैं कि आपके जो पिता या हमारे पिता जो हैं दशरथ, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बावजूद वो बेहोश हो जाते हैं सुन करके, वो शॉक उनको लगता है, फिर उनको चेतनावस्था में ला करके दोबारा पानी में डुबा करके फिर उसके बाद मंत्री बताते हैं। तो मैंने कहा ये देखिए, ये टेक्निक हम लोगों को भारतवर्ष में मालूम है, किसी की माँ अगर गुजर जाती है तो पहले उसको बताते हैं उसके बच्चे को कि बीमार चल रही है ना, अस्पताल में है, इलाज चल रहा है। धीरे 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 जो है फिर हम लोग उस तथ्य पर आते हैं, पहले उसको नॉर्मलाइज होने देते हैं, शॉक नहीं देते है ना। आपने सुना कि बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लॉटरी की सुन के लॉटरी निकल गई और डेथ हो जाती है, ऐसे केसेस भी आए हैं। तो ज्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती है, ज्यादा गम भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये जो शौक होता है, इसके प्रबंधन की कहानी उसमें दशरथ जातक में दी गई। मूल उद्देश्य उसका वो है, उसमें पात्रों के साथ जो अगर नाम की समानता है तो वो महज संयोग है ना, वो रामायण की कथा नहीं है, इस पर है सर, ना। जो इस पर जो अंबेडकर जो लोग हैं या जो बुद्धिज्म को जी फॉलो कर रहे हैं, उनका अपना एक अलग टेक है। उनका ये मानना है कि हाँ जो बुद्ध की जो जातक कथाओं में एक कथा जो दशरथ जातक कथा है, उसको ही जी उठाकर फिर आगे जाकर उसको बहुत ज्यादा इलेबरेट करके और खींच तान के उसको रामायण का ग्रंथ बनाया गया है। क्योंकि जी पाल जी संस्कृत क्योंकि रामायण जो लिखी गई है वो संस्कृत में लिखी गई है, और जो बुद्ध की जातक कथाएं हैं वो पाली में जी मिलती हैं आपको। पाली पाली में भाषा मिलते संस्कृत से पहले की भाषा है, तो ये संभव नहीं है कि बुद्ध जो है वो वहां से किरदार उठाए। ये संभव है कि जी बुद्ध की जी जातक कथाओं से उन्होंने किरदार उठाए होंगे। खैर, जी तो इस तो पर विवाद हो सकता है, हाँ लेकिन बिल्कुल मेरा जो बिल्कुल अपना मत है, मेरा जो अपना मत है, वाल्मीकि रामायण को मैंने पढ़ा, ठीक है। वाल्मीकि रामायण का जो उत्स है वो वहां से आरंभ होता है, दो पक्षियों के उससे है ना, कि वो पक्षी जो स्त्री है वो मर गई है और पक्षी जो है वो विलाप कर रहा है ना। अब पाएंगे कि वहां से उनकी कल्पना जगत में वो वाल्मीकि के कल उस तरह से वो पूरी कहानी आई है ना। इसके बाद बहुत कुछ है कि भाई राम के जन्म से पहले वो कहानी लिख दी गई वगैरह वगैरह, है ना। तो ये विद्वानों का अपने शोध का विषय हो सकता है, लेकिन मेरे ये कहने का एक बहुत सीधा सा ये है कि कोई भी वस्तु मान लीजिए हमको किसी साहित्य में मिलती है, ठीक है। मुझे मैं देखिए कहानियां भी लिखता हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ, तो मुझे ये ज्ञान है कि भाई कहीं से कोई घटना प्रभावित कर सकती है, कोई ऐसी मतलब मैं समझता समाचार पत्रों से भी लेकर के कोई घटना ऐसी मिलती है उस पर कविता लिखी जाती है, कोई कहानी बन जाती है। तो ये स्वाभाविक साहित्यकार के लिए ये कोई दोष नहीं है, उसकी कल्पनाशीलता और उसकी रचनात्मकता पर निर्भर करता है कि वो कहाँ से क्या वस्तु लेता है ना। अच्छा अब हाँ, अब इसमें मान लीजिए थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपना, क्योंकि उसको एक चीज देनी है जो तो मनोरंजक भी हो, है ना। अगर वो रिपोर्टाज लिख रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो उपन्यास लिखने जा रहा है, एक महाकाव्य लिखने जा रहा है, तो उसको अपने ध्यान रखते वो करनी है ना। तो हम लोग इस विवाद में न टरे, नहीं, प्रबंधन को। मैं यहाँ पर हाँ यही चीज मैं बताने जा रहा था आप सभी दर्शकों जी की, ये जो पूरी 547 जो वीडियो आएंगी, इनका एक उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है कि हम बुद्ध की जातक कथाओं से किस तरीके से हम मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। उसमें कई जगह ऐसे शब्द शब्दों के साथ भी आपका इंटरेक्शन होगा, जिसे कि हम काल्पनिक शब्द कहते हैं, यथार्थ से उनका कोई लेना देना नहीं होता। स्वर्ग नरक ये यथार्थवादी नहीं है, ये काल्पनिक शब्द है। तो आप उनसे ये मत समझिए कि नहीं ये हमारे मतलब की चीज नहीं है, अरे ये तो हमारे बौद्ध धर्म में है ही नहीं या बौद्ध धर्म में है ही नहीं। आप केवल इसको इस नजरिए से समझिए, इस नजरिए से सीखिए, सुनिए कि आपको यहाँ से सीखने को क्या मिल रहा है। मैनेजमेंट स्किल आप कितनी अपनी आप अच्छी कर सकते हो, बस इतना ही आपको देखकर ये चीज करनी है। और बाकी जो आप उसको एक अलग तरीके से चीजें समझना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुजन साहित्य के चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए। वहां पर मैं आपको उनकी प्रॉपर चीरा फाड़ी करके बताऊंगा कि कब कब किसने लिखा, कैसे क्या लिखा। वो एक अलग विषय है, और वो विषय अलग विषय। हम डॉक्टर जसवीर छावड़ा जी से चावड़ा जी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक अपना मोटो है, उनका एक अपना उद्देश्य है, जिससे कि हम पूरे भारतवर्ष का भला कर सकते हैं अगर हम उनकी बातों को पहुंचा पाए तो।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन ये इंटरव्यू टाइप का रहा सर, प्लीज हाथ मत जोड़े, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं दर्शकों के हाँ ठीक है, लिए दर्शक को शुक्रिया। हाँ भगवान बुद्ध को ठीक नमस्कार कर रहा हूँ भाई, है ना, ये ठीक उनके लिए तो है ये जी, प्रणाम। तो हम लोग इसको 547 वीडियोस अलग अलग लेकर आएंगे, जिसके लिए हम डेली एक जी, वीडियो अपने दर्शकों के लिए लेकर आएंगे, जहां पर आप हर एक कहानी को इलैबोरेट करेंगे। मेरे कुछ जो प्रश्न रहेंगे वो मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा, और जो हर एक कहानी के नीचे, हर एक वीडियो के नीचे कुछ प्रश्न आएंगे भी, तो हम उसको दूसरे वीडियो में इंक्लूड भी करेंगे, क्वेश्चनरा एक सेशन रखेंगे 10-15 मिनट का उसमें। तो इस तरीके से हम बहुत इसको अच्छा, पूरा एक फॉर्मुलेट करेंगे, और लोगों तक, जन जन तक बुद्ध के जो जातक कथाएं हैं, उन जातक कथाओं में जो संदेश हैं, उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अगर आप कुछ बोलना बहुत चाहें, बहुत दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो प्लीज आप कहें। बहुत। मुझे तो इतना, मैं गदगद हो रहा हूं आपकी इस योजना को सुन करके, कि मेरी जो चिर अभिलाषा थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो ये बात बता सकूं, ये शेयर कर सकूं, ये जो ज्ञान है जातक कथाओं का, सम्यक प्रबंधन का, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इन कथाओं को, मान लीजिए मेरे द्वारा तो आप सुनेंगे ही, कभी पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़ें, और इस दृष्टिकोण से पढ़ें कि इसमें से हमको प्रबंधन की शिक्षा मिल रही है ना। एक संकीर्ण नजरिया न लें कि इसमें धर्म है या नहीं है ना, मैनेजमेंट प्रबंधन की। अब कई बार ऐसा भी आएगा उसमें वाकया कि जो अधर्म की शिक्षा देगा, लेकिन नहीं, आपको वहां डिगना नहीं है। देखिए, नियम वो नहीं बनाया जा सकता है, अगर कोई आदमी गलत कर रहा है एक प्रबंधन के लिए, मान लीजिए किसी ने किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला, तो वहां उसने उसका प्रबंधन किया एक झूठ, लेकिन झूठ बोलने को हम नियम नहीं बना सकते कि आप झूठ बोलिए, कि आप 20% झूठ बोलिए, कि 30% झूठ बोलिए, ऐसा नहीं, ये नियम नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जहां आवश्यकता है ना, जहां समझिए कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली बात है, वहां अधर्म का भी रास्ता किसी ने लिया है, हिंसा भी की है, थोड़ा झूठ भी बोला है, तो वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन आप कहेंगे तो आप नियम बना दीजिए, तो इसको नियम बनाना धर्म में, संभव धर्म है। में शामिल कर लीजिए, तो धर्म में हाँ शामिल नहीं हो सकता, ऐसा हाँ नहीं हो सकता, इसका निषेध ही रहेगा। जो चीज गलत है वो उसे शास्ता भी कभी नहीं कहेंगे कि तुम ऐसा ही करो, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि बेटी क्या इधर इस बुद्ध पे। धर्म की तो सर अपनी पहचान ये भी है ना, कि वो मध्यम मार्ग को अपनाता है, हाँ, वो बहुत एक्सट्रीम में अपनाता नहीं है जाना भाई, पसंद करता। यार बुद्ध के जो बिल्कुल संदेश बिल्कुल। है बहुत एक्सट्रीम नहीं है, वो कहते हैं मध्यम हाँ, मार्ग एक्सट्रीम, अपनाइए। मध्यम मार्ग अपनाइए, और उस मध्यम का भी मैं विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कि सम्यक का मार्ग अपनाइए। तो सभी दर्शकों को सम्यक का मार्ग जो बहुत है, बहुत 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 शुक्रिया सर वही। आपका। बहुत जी जी बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, नमो बुद्धाय, जय हिंद सर। नमो बुद्धाय। जय जय अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी। जसवीर चावला जी के साथ हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे बुद्ध की जातक कथाओं के बारे में, और जो मेरे जहन में जो कुछ प्रश्न थे उनका मैंने जिक्र किया, और उन्होंने, डॉक्टर जसवीर सर ने काफी अच्छे से उनका निराकरण भी किया। इस पूरी एक सीरीज को बनाने का मेरा मकसद ये भी है कि बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं उनके माध्यम से बुद्ध जो अपने समय में संदेश दिया करते थे, उनको हम आज के दिन में, आज के समय काल में जन जन तक पहुंचाएं। क्योंकि बाबा साहब भी यही कहते हैं कि जो बुद्ध धम्म है वही मानवता का धम्म है, मानवता का धर्म कह लीजिए आप, मैं धम्म कहना पसंद करता हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो बहुजन साहित्य को आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। बिना आर्थिक सहयोग के कोई भी मूवमेंट नहीं चल सकता। भले ही मैं इस काम को अकेले करता हूँ, लेकिन मुझे भी मेरा पेट पालने के लिए तो कुछ रुपए लगेंगे ही लगेंगे। इन सारे सिस्टम इक्विपमेंट्स को खड़ा करने के लिए, खरीदने के लिए उसमें पैसा लगता है। जितना ज्यादा मैं फ्री रहूंगा उतना ज्यादा मैं काम कर पाऊंगा। अगर मैं अपने एडिटिंग में ही टाइम देते रहूंगा तो फिर कोई सेंस नहीं है। अभी समझिए इस चीज को, हर इक्विपमेंट को खरीदने के लिए पैसा लगता है। तो आप अगर हमें पैसा डोनेट कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियोस को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो देखकर कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत कुमार मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब, फिर किसी विषय के चर्चा को लेकर। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें।
पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।